हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और अपनी मंजिल के बहुत करीब होंगे। फिर से रोज़ एक ही बात कहती हूँ, बोर नहीं होते आप? कमेंट करके बताया करो अगर बोर हो भी जाते हो मेरी इन बातों से। तो देखो, ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में आपको हर चीज़ किताबों में मिल जाए, ठीक है। मैं भले ही पढ़ा रही हूँ, भले ही करंट अफेयर का सेशन ले रही हूँ, फिर भी बहुत ऐसी बातें होती हैं जो आपको तजुर्बे से आती हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करने से आती हैं, ठीक। तो लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए। बीइंग एट योर स्टडी, आपको पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा एज इन, मैं ये नहीं कह रही फर्स्ट आओ या कुछ ऐसा बड़ा करो काइंड ऑफ। अगर आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो जॉब ऐसी जॉब है जो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पहले या स्कूल में या कॉलेज में 90% आते थे तो ही आपको जॉब मिल पाएगी। नहीं भी आते थे तो भी आपकी शिद्दत ऐसी होनी चाहिए, मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि आपको, आप जो चाहो आपको वो मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हम कई दिनों से नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आते जा रहे हैं, डिस्क्लोज हो, अनवील हो रहे हैं, उस हिसाब से हम बताते हैं। तो अभी मिला है जॉन फॉसे को, ठीक है। जॉन फॉसे को जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो लिटरेचर के लिए मिला है, ठीक है। 2023 का नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो लिटरेचर के लिए मिला है जॉन फोसे को। अब वो पूछ रहा है कि जॉन फोसे जो हैं वो किस कंट्री से संबंध रखते हैं, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो वो नॉर्वे से संबंध रखते हैं, ठीक है। इन्होंने कहीं लेख, ऐसे बच्चों की बुक्स, बहुत सारी चीज़ें, नोबेल पोएट्री, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली इनके लिटरेचर वर्क को सराहने के लिए और जो उन्होंने इतना उम्दा लिखा है उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। दिया जाएगा, अनाउंस हो गया है, अभी दिया जाएगा, ठीक है। धनराशि में जो चेंज आया है वो मैंने आपको कहीं बार बताया कि ये पहले 10 मिलियन हुआ करती थी, अब ये कितनी हो गई है, अब ये 1 मिलियन बढ़ गई है, अब ये 11 मिलियन हो गई है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर, ठीक है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर, ठीक है। ये चेंज है, तो इस चेंज को याद रखिए, जब भी चेंज आता है तो क्वेश्चन बनता है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च, किस स्टेट ने लॉन्च किया किए है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, ठीक है। किस स्टेट ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को लॉन्च किया? अब ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है क्या? इस योजना के तहत सपोर्ट मिलेगा जो बच्चे अनाथ हैं उनको। देखो, ये जो गवर्नमेंट है ना, जो भी इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, चलो आंसर होने क्या वाला है पहले आंसर ही देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। तो जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है ना, HP की जो गवर्नमेंट है, वो पहली ऐसी गवर्नमेंट बन गई है जो ऑफन, यानी कि जो बच्चे अनाथ होते हैं उनके लिए लॉ बनाने वाली या उनके लिए पुख्ता इनिशिएटिव लेने वाली जो गवर्नमेंट है वो बन गई है, पहली ऐसी HP हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब जो ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, इसके तहत भी ये लोग क्या करेंगे, जो बच्चे अनाथ हैं उनको सपोर्ट करेंगे, जो फिज़िकली स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, ठीक है, स्पेशली एबल्ड, जो जिन बच्चों को ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, राइट, ऐसे बच्चे, या डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट इज़ अ सिनोनिम ऑफ पुअर, मतलब जो महिलाएं नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उन महिलाओं को, और एल्डरली इंडिविजुअल, जो ज़्यादा उम्र के, ओल्डर आप बोल सकते हैं, तो जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी, इन सभी लोगों को सहायता प्रोवाइड की जाएगी, सहायता दी जाएगी, ठीक है। समझ में आया, योजना याद रखना, ठीक। और HP जो गवर्नमेंट है वो फर्स्ट ऐसा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसने लॉ इनेक्ट किया है
किसके लिए? बेसिकली ताकि वो सपोर्ट कर सकें ऑफन चिल्ड्रन को, या वनरेबल सेक्शन से हैं जो सोसाइटी के, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए दे हैव इनएक्टेड अ लॉ। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुख आश्रय योजना की, तो अप्रॉक्सीमेटली 2700 नए लोग, जो नए ऑफेंस आइडेंटिफाई किए गए हैं, मतलब कुछ लोग जैसे कोविड में अब बहुत अलग अलग रीज़न से जो बच्चे अनाथ हो गए और अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, उन्हें पर मंथ जो फाइनेंशियल एड दी जाएगी, जो फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाएगी, वो 4000 रुपये होगी जब तक वो 27 साल के नहीं हो जाते। ठीक है, जब तक 27 साल के नहीं हो जाते 4000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। ठीक, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द मेंस क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप? तो ये काफ़ी लोगों को बनाया गया है, उनमें से एक हैं सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है मेंस क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप। ODI आप सब जानते होंगे, वनडे इंटरनेशनल को हम शॉर्ट में ODI बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ODI वर्ल्ड कप जो है, इसका कौन सा एडिशन है? ICC जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये इसका 13th एडिशन है, यानी कि 13वां एडिशन है जो अब होने वाला है। ठीक है, कहाँ होगा ये? ये होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कहाँ होगा? मैं चलो पूरा ही लिख देती हूँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक, अहमदाबाद कहाँ? गुजरात। ठीक, तो ये अहमदाबाद में होने वाला है, राइट? 13th एडिशन है, अहमदाबाद में होगा। कब से कब तक होगा? 5 तारीख से 19 तारीख तक होगा। ठीक है, 5 to 19 अक्टूबर, 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। ठीक है, कितने मैचेस होंगे? 48 मैचेस होंगे टोटल। ठीक, 48 मैचेस टोटल होंगे। ठीक है, तो काफ़ी जानकारी आपको एक ही क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ, तो इस जानकारी को एक बार देख लिया करो, अच्छे से सुन लिया करो। कई बार कहीं से भी कोई भी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, पढ़ा होगा तो आंसर दे पाओगे ना, समझोगे तो, है ना? तो ग्लोबल अम्बेसडर की हमने बात की थी, सचिन तेंदुलकर जी। अच्छा, इसका मैस्कॉट देख लेते हैं एक बार। मैस्कॉट ये हैं टोंक जो मेल मैस्कॉट है, और ब्लेज जो हैं फीमेल मैस्कॉट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इमेज मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इमेज लगी मुझे ये, मैं चाहती थी कि आपको भी दिखाऊँ। ठीक है, तो टोंक और ब्लेज अभी आप याद रखेंगे, अगर कभी एग्ज़ाम में मैस्कॉट पूछ लिया तो टोंक और ब्लेज आपको अच्छे से अब याद रहेगा, है ना? चलो, जैसे कि मैंने बताया था और भी एम्बेसडर्स हैं, जैसे विविन रिचार्ड्स, ठीक है, वेस्ट इंडीज के, साउथ अफ्रीका के एपी डिविलियर्स, मिताली राज जी हैं एक्स कैप्टन। ठीक, पाकिस्तान ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज़, सुरेश रैना। ठीक है, काफ़ी और प्लेयर्स हैं जो एज अ एम्बेसडर ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 के बने हैं। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। R21 मैट्रिक्स M, ये जो है वो वैक्सीन है। ठीक है, किस डिज़ीज़ की, किस बीमारी की वैक्सीन है? ठीक है, आपको कोई बीमारी होती है तो जैसे अभी कोविड आया था, वैक्सीन लगवाई थी, है ना, तो पूछ रहा है कि ये किस डिज़ीज़ की, किस बीमारी की वैक्सीन है? ये मलेरिया की वैक्सीन है। ठीक है, पहली वैक्सीन नहीं है, इससे पहले भी वैक्सीन आ चुकी है। अच्छा, ये डेवलप किसने की है? ये वैक्सीन जो डेवलप की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड, ठीक है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलके किया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, डेवलप बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड लिख लेते हैं, चलो, एंड सीरम, ये M है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलके, ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलके
इस वैक्सीन को डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय, ठीक। तो कभी पूछ लें कि किसके द्वारा ये वैक्सीन, बता दें कि मलेरिया की वैक्सीन है, एक नई वैक्सीन आई है R21 Matrix-M, ये मलेरिया की वैक्सीन है, किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया, ठीक है, तो पता होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले जैसे मैंने बोला था, इससे पहले भी हैं, तो R21 सेकेंड मलेरिया वैक्सीन है, रिकमेंडेड बाय WHO। RTS-SAS-01, ठीक है, ये वैक्सीन भी रिसीव हुई थी 2021 में। R21 और RTS-S वैक्सीन जो है वो एक्ट करते हैं पैरियम के विरुद्ध, ठीक है, जो मलेरिया पैरासाइट है और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में ना बहुत एक तरह से यू कैन से पावरफुल हैं, है ना, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहाँ लोकेटेड है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा, स्टैटिक का क्वेश्चन है, जहाँ लोकेटेड थी वहीं लोकेटेड है, कहीं चेंज नहीं हुई है, ठीक है, तो इसलिए तो क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन इसलिए है ये कि MOU साइन हुआ है, ठीक। अब MOU जब साइन हुआ है तो कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ, ठीक है, तो उस MOU से रिलेटेड कोई बात पूछ लेगा, ठीक, या कुछ भी XYZ पूछ लेगा चीज़। अभी जो है 4 MOU साइन हुए हैं, किस किस के बीच 4 MOU साइन हुए हैं, एक तो WADA, दैट इज़ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और किसके बीच साइन हुआ है, WHO के बीच साइन हुआ है। 4 जो MOUs साइन हुए हैं इन दोनों के बीच, वो उसी पे हैं कि कैसे ये दोनों ने MOU साइन करा है, और उसका पर्पस ही यही है कि कैसे ये लोग जो एंटी डोपिंग है या हेल्थ कंसर्न्स हैं, बेसिकली इन दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो MOU साइन हुआ था, उसने स्टैटिक का क्वेश्चन बना के एग्जामिनर ने लोकेशन पूछ ली कि कहाँ लोकेटेड हैं, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली, या जो लोकेटेड है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करते हुए मैं चलती हूँ। 1 अक्टूबर 2027 तक ये MOU बेसिकली रन करेंगे, और ये अलाइन होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल 3 के साथ। पूछ सकता है, एक MOU हुआ है, ठीक है, WADA, दैट इज़ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बीच, एजेंसी और वर्ल्ड WHO के बीच, ठीक है, तो ये किस सस्टेनेबल गोल के अंदर आता है, ठीक है, तो ये आता है UN सस्टेनेबल गोल, ठीक है, SDG 3 के अंदर आता है, ठीक। तो ये चीज़ पूछ सकता है किस SDG के अंदर आता है, तो 3 के अंदर आता है, और 3 है क्या, सस्टेनेबल गोल 3rd है, एंश्योरिंग हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोटिंग वेल बीइंग ऑफ ऑल द एजेस, ठीक है, क्या है, एंश्योरिंग हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोटिंग वेल बीइंग ऑफ ऑल एजेस, ठीक। आगे चल सकते हैं, समझ में आया, देखो एक ही से ना कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपको ऐसे लगेगा कि एक प्लेयर का नाम दे दिया और पूछ लिया कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी करंट का एक क्वेश्चन है, कैसे, बताती हूँ। किरण बालियान जो है, पहले बताओ किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है, एंड ये शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं, ठीक, तो करेक्ट आंसर हो गया शॉर्ट पुट। अब जो होना चाहिए कि करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है वो बात, तो देखो 72 साल बाद ना एशियन गेम्स में इंडिया को मेडल मिला है, ठीक है, एथलेटिक्स में। अब इन्हें कौन सा मेडल मिला है, इन्हें ब्रॉन्ज मिला है, ठीक, तो सिल्वर और गोल्ड जो मिला है वो चाइनीज़ प्लेयर हैं, उन दोनों को मिला है। नाम मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है, दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं, पर 72 साल बाद इंडिया को ब्रॉन्ज मिला है, तो इन्होंने एक कीर्तिमानी आप कह सकते हैं स्थापित किया है। आज ब्रॉन्ज मिला है, कल को गोल्ड भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, है ना,
तो इनका जो जो इन्होंने थ्रो फेंका था वो 17.36 मीटर का था। आयरन की बॉल होती है, हल्की बॉल नहीं होती, ठीक है, तो लोहे की भारी बॉल होती है जो शॉट पुट में फेंकी जाती है। ठीक, तो किरण मालियान पहली महिला बन गई है, पहली इंडियन महिला बन गई है जिन्होंने एशियन गेम में शॉट पुट में बेसिकली मेडल जीता 72 साल बाद। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं चाइना में ये गेम्स हो रहे हैं। ठीक, 17.36 मीटर मैंने आपको बताई था, थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने फेंका, राइट। और अगर हम बात करें विनर्स की, तो गोंग ली जाओ चाइना से हैं, इनको गोल्ड मिला है। ठीक है, इनको क्या मिला है, गोल्ड। और सोंग जायुआन जो हैं ये भी चाइना से ही हैं, इनको सिल्वर मिला है। इनका थ्रो था 19.58 और इनका है 18.92। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी अबाउट किरण बालियान वो यही थी कि ये शॉट पुट की खिलाड़ी हैं, इन्होंने एशियन में शॉट पुट इवेंट में ब्रॉन्ज जीता है जो कि इन्होंने इंडिया के लिए 72 साल बाद हासिल किया है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अवार्डेड टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक तमिल राइटर है, ठीक है, ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको सी एस लक्ष्मी का नाम मिलेगा। तो सी एस लक्ष्मी जी जो हैं वो तमिल राइटर हैं, तमिल लेखिका हैं बेसिकली, और इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। ठीक है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनके कार्यों के लिए, बेसिकली इनके वर्क्स के लिए जो इन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं उन सब के लिए इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलें। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NPS प्रेफरेंस इंडेक्स, किसने NPS प्रेफरेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है। तो NPS प्रेफरेंस इंडेक्स को जो लॉन्च करने वाला है वो है HDFC पेंशन। HDFC पेंशन ने क्या किया है, जो NPS प्रेफरेंस इंडेक्स है ना उसे लॉन्च किया है। तो HDFC प्रेफरेंस मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस की एक सब्सिडी है बेसिकली, उसने पहला नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS इज नेशनल पेंशन सिस्टम प्रेफरेंस इंडेक्स लॉन्च किया है। किस दिन पे, ये पहली बात सेकेंडाइजेशन है, और NPS दिवस के दिन, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अच्छा, इसका मतलब क्या है NPS प्रेफरेंस इंडेक्स और ये है क्या, बेसिकली ये शो करता है इस सर्वे का जो इसका एम है, ताकि एक्सेस किया जा सके कंज्यूमर के व्यू ऑन रिटायरमेंट एंड अवेयरनेस, उनका इंटरेस्ट, उनकी जो भी आशंकाएं हैं, सारी चीज़ें NPS के बारे में जो भी चीज़ें हैं वही इस सर्वे का एम है कि उन सब चीज़ों को जानना, राइट। अगर सर्वे के रिजल्ट की बात करें तो ये शो करता है कि जो NPS प्रेफरेंस इंडेक्स है ना वो अब के टाइम पे 54 है, जो एक एवरेज मॉडरेट कंसीडर किया जा सकता है। अगर NPS की हम बात करें, नेशनल पेंशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये एक वॉलेंट्री डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है जो 2004 में लॉन्च की गई थी। 18 से 70 साल के सभी लोग, सभी सिटीजन इस स्कीम के अंडर आ सकते हैं, और दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है PFRDA, वो इसको नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। ठीक है, पूछ सकता है नेशनल पेंशन सिस्टम को कौन सी अथॉरिटी रेगुलेट करती है, तो PFRDA दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें बता ही इसलिए दी हूँ कि कब लॉन्च हुआ या कब इंडिया में बेसिकली नेशनल पेंशन सिस्टम लॉन्च हुआ 2004 में, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चन बन जाता है कि कब लॉन्च हुआ, कौन रेगुलेट करता है ना। चलो आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द रोल ऑफ ग्लोबल CEO ऑफ PayU, PayU के ग्लोबल CEO कौन बने हैं, क्या आंसर होगा करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है
अनिर्बन मुखर्जी, ठीक है, ये क्या बने हैं, ये ग्लोबल सीईओ बने हैं, इनका प्रमोशन हुआ है, ठीक है, ही हैज़ बीन प्रमोटेड, ठीक है, जो अनिर्बन मुखर्जी हैं उनको क्या किया है, प्रमोट किया गया है, ही हैज़ बीन प्रमोटेड। क्यों बोला मैंने ऐसा कि इनको प्रमोट किया गया है, क्योंकि इनकी इंडिया से अब ये पहले सीईओ इंडिया, देखो लिखा हुआ है कि ये जो थे वो सीईओ थे ऑफ पेयू इंडिया, अब वो प्रमोट करके ग्लोबल सीईओ बन गए ऑफ पेयू के, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किसकी जगह ली है, इन्होंने लॉरेंट ले मॉल इनकी जगह ली है, इन्हें सक्सीड किया है। पेयू की बात करें तो पेयू एक ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में है ना, ठीक है, समझ में आई, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, टेन्योर पूछ रहे हैं एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खरे का, अच्छा एक्सटेंड होके कहाँ तक हो गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चेयरमैन तो अभी भी दिनेश कुमार खरे ही हैं, और अब वो कब तक चेयरमैन है, वो चेयरमैन है एसबीआई के 28 अगस्त 2024 तक, ठीक है। दिनेश कुमार खरे जो हैं वो एसबीआई के चेयरमैन रहेंगे 28 अगस्त 2024 तक, अगर इनका कार्यकाल और नहीं बढ़ाया गया तो, बढ़ाया गया तो और आगे एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। एसबीआई की बात करें, मुंबई में हेडक्वार्टर है और 1 जुलाई 1955 में ये एस्टैब्लिश हुए थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है, ठीक, नहीं आ रहा तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, डेली मैं बोलती हूँ कि आप कमेंट करके बताइए, तभी तो पता चलेगा, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, थैंक यू।